Hello everyone, my name is Rishi Malik. I hope you are doing very well in your life and welcome back to my channel. And आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा मोराटोरियम ईएमआई कैलकुलेटर के बारे में. एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा कि अगर आपने पर्सनल लोन, टर्म लोन या होम लोन लिया हुआ है तो उस केस में आपका कितना आउटस्टैंडिंग हो जाएगा जून तक अगर आप मोराटोरियम एट प्रेजेंटली अपने लोन के ऊपर अप्लाई करते हैं. तो आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को समझाया है कि अगर आप एट प्रेजेंटली मोराटोरियम एक्सेप्ट करते हैं बैंक के थ्रू तो उस केस में आपको तीन ऑप्शन के मुताबिक कितना कितना और टोटल कॉस्टिंग पे करनी पड़ती है जोन से ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे. तो अगर बात करता हूँ आज अकॉर्डिंग टू मोराटोरियम ईएमआई कैलकुलेटर, यहाँ पर मैं आपको तीन ऑप्शन समझाना चाहूँगा. अगर आप में से किसी ने भी पर्सनल लोन, टर्म लोन, होम लोन लिया हुआ है तो उस केस में ऑप्शन वन, अगर आप मोराटोरियम अप्लाई करते हो तो उस केस में जून से आपका कितना टोटल न्यू आउटस्टैंडिंग बनेगा. ऑप्शन टू के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि इन केस अगर आप टेन्योर जो है अपने लोन का सेम रखते हैं और ईएमआई इंक्रीज करते हैं तो उस केस में आपका कितना ईएमआई जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको. विद दैट अगर आप ऑप्शन थ्री ऑप्ट करते हैं जिसमें आपका जो टर्म इंक्रीज हो जाता है और ईएमआई सेम रहता है तो कितने समय तक आपको और पैसा पे करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर मोराटोरियम पीरियड को कंसीडर करते हुए. तो मैं आप सभी को एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा. लेट सपोज मैंने एक पर्सनल लोन लिया हुआ है 3 लाख रुपए के अमाउंट का एंड एट प्रेजेंटली जो उसका आरओआई है, इंटरेस्ट रेट जो है वो 14% का है एंड जो मेरा टोटल टेन्योर है पे करने का वो है 48 मंथ्स का. यहाँ पर मैं वही कंसीडर कर रहा हूँ एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं तो उस केस में 3,93,501 रुपये बनता है मेरा टोटल कॉस्टिंग और ईएमआई जो बनती है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हुए 8,198 रुपये की. इन केस अगर मैं एट प्रेजेंटली मोराटोरियम एक्सेप्ट कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ एनी रीज़न तो उस केस में मार्च, अप्रैल और मई, मार्च में जो मेरा इंटरेस्ट जा रहा है वो 3500 है, अप्रैल में जो है 3541 और मई में जो है वो 3582. मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट है एंड अकॉर्डिंग टू दैट टोटल जो मेरा बन जाता है 10,623 रुपये का इंटरेस्ट लग जाता है मार्च, अप्रैल एंड मई में और मेरा जो टोटल न्यू आउटस्टैंडिंग है 3,10,623 रुपये का बन जाता है जो पहले था सिर्फ से सिर्फ 3 लाख रुपये का. अब अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं तो उस केस में मेरी जो टोटल पहले कॉस्टिंग आ रही थी वो 3,93,501 रुपये की आ रही थी और अब अगर मैं 10,623 रुपये उसमें ऐड ऑन कर देता हूँ तो टोटल कॉस्टिंग जो मेरी बन जाती है वो बन जाती है एट प्रेजेंटली 4,04,124 रुपये की और मेरी जो ईएमआई बनती है वो 8,198 रुपये की बनती है और एडिशनल कॉस्टिंग जो मुझे देनी पड़ रही है इस समय पे वो है 10,623 रुपये की. अब अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू ईएमआई इंक्रीज्ड एंड टर्म सेम, इन केस अगर मैं अपना लोन टेन्योर जो है वो 48 महीने का ही रखना चाह रहा हूँ और अपनी ईएमआई जो है वो इंक्रीज करना चाह रहा हूँ तो उस केस में जो मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग था 10,623 रुपये वो जुड़ जाएगा और उसी के मुताबिक जो मेरा न्यू ईएमआई है वो बन जाता है एट प्रेजेंटली 8,488 रुपये का एट प्रेजेंटली और उसी के साथ साथ जो मेरा एडिशनल कॉस्ट बन जाती है वो 13,934 रुपये की बन जाती है अगर मैं ईएमआई इंक्रीज करता हूँ सेम टेन्योर के साथ. अब थर्ड ऑप्शन बहुत से इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि इन केस अगर मेरा ईएमआई जो है वो सेम रहे और मेरा जो लोन टेन्योर है वो इंक्रीज हो जाए तो उस केस में आपको टोटल जो पैसा पे करना है वो पे करना पड़ेगा 4,12,397 रुपये और अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस तो ये आपका जो टेन्योर रहेगा 50 महीने का हो जाएगा ये टोटल टेन्योर और आपकी एडिशनल कॉस्टिंग जो है वो 18,895 रुपये की रहेगी. आप सभी को ये दिखाना चाहूँगा कि अगर आप एट प्रेजेंटली मोराटोरियम एक्सेप्ट कर रहे हो तो उस केस में, पहले केस में अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो 4,04,124 रुपये ही आपके जा रहे हैं. इन केस आप सेकेंड ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो 4,07,435 रुपये और अगर आप एट प्रेजेंटली थर्ड ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो उस केस में सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो 4,12,397 रुपये का जा रहा है अगर आप एट प्रेजेंटली इन तीन ऑप्शंस के हिसाब से मोराटोरियम एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने लोन, टर्म लोन या होम लोन के ऊपर एट प्रेजेंटली या पर्सनल लोन के ऊपर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप इस समय पर कंसिडर करते हैं अपना टेन्योर इंक्रीज करना और ईएमआई सेम रखना और उसी के साथ साथ इन केस अगर आप अपना ईएमआई इंक्रीज कर रहे हैं और टर्म जो है वो सेम रख रहे हैं तो उस केस में 10,623
23 रुपये जो है वो आपके टोटल बढ़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ एडिशनल कॉस्टिंग जो है वो 13,934 रुपये की हो जाती है। अगर कंफर्टेबल इनफ हो पे करने के लिए तो पे करिए, नहीं तो आप सिर्फ से सिर्फ 3 महीने के लिए एक्सेप्ट करिए एंड अपना टेन्योर जो है वो इंक्रीज ना करते हुए ईएमआई इंक्रीज करके अपना टोटल ईएमआई जो है वो पे करिए लोन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कैलकुलेशन समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इनकेस अगर कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो उस केस में आप कमेंट सेक्शन को ज़रूर प्लीज़ वहाँ पे मेंशन करिएगा, मैं आप सभी को यहाँ से आंसर ज़रूर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे दोस्तों।